नमस्ते दोस्तों दोस्तों ट्रेडिंग कोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि अप्रैल महीना अभी खत्म हुआ है, मई चालू हुआ है दोस्तों, तो हमें मंथली कैंडल मिल चुकी है, तो आज हम मंथली एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों, और वीकली एनालिसिस तो हम करते ही है। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और फिन निफ्टी का मंथली और वीकली एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी का मंथली कैंडल, मंथली चार्ट ओपन करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ये स्पॉट प्राइस का है दोस्तों, ये अप्रैल मंथ की कैंडल है दोस्तों, और ये है मार्च मंथ की कैंडल। दोस्तों मार्च मंथ में आप देख सकते हैं डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई थी, तो जिसमें डायरेक्शन मार्केट का तभी पता चलता है जब ये दोजी कैंडल का हाई और लो ब्रेक होता है दोस्तों। तो लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, पर हाई ब्रेक हुआ है दोस्तों दोजी कैंडल का, जो कि अप्रैल मंथ की कैंडल ने ब्रेक किया है। तो जब भी दोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बुलिश पोजीशन बनाते हैं दोस्तों मार्केट में। तो ये दो और इसका टारगेट जैसे जो होता है दोस्तों, ये दोजी कैंडल का जितना लो और हाई का प्राइस रहता है उतना हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका लो था 16,800 के आसपास और हाई है 17,800 के आसपास, तो ये 1,000 पॉइंट की कैंडल है दोस्तों। तो हम लोग इसको इसका हाई ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ से 1,000 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कि टारगेट आना चाहिए, जिसके एक्यूरेसी लेवल 75% होता है। तो 17,800 से हम लोग अगर ब्रेकआउट मिला है तो हम लोग 18,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो 18,800 मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही दोस्तों हम लोग जा सकते हैं यहाँ से, और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने पे हम लोग और 1,000-1,500 पॉइंट इजीली जा सकते हैं दोस्तों। तो अभी ऑल टाइम हाई तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 75% उसकी चांसेस है, क्योंकि दोजी कैंडल का ब्रेक अपसाइड ब्रेक हुआ है दोस्तों। तो ये था मंथली एनालिसिस दोस्तों निफ्टी का। तो अभी बुलिश व्यू बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड में है, जैसे ही दोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है तो हम लोग बुलिश पोजिशन में है मंथली में। तो हम लोग वीकली में देखते हैं, तो वीकली का एनालिसिस हम लोग डेली टाइम फ्रेम के कैंडल लगा के करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अभी निफ्टी का लास्ट मंथ का, लास्ट वीक का, लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो है 18,065, मतलब 18,065 का क्लोजिंग है लास्ट, जो क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का। तो दोस्तों हम लोग अभी जो मंडे तो छुट्टी है दोस्तों, तो ट्यूसडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, क्योंकि यूएस ने भी और एशियन मार्केट, यूएस मार्केट सब बुलिश ही क्लोज हुए हैं, ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं फ्राइडे को। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट भी जैसे एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी कि 100 पॉइंट का तो गैप अप ओपन हो सकता है, पर मंडे का हमारा हॉलीडे होने के कारण मंडे को अगर देखते हैं यूएस मार्केट कैसे रिएक्शन देता है, यूएस ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्शन देता है, उसके ऊपर हम लोग
और एक्यूरेट डिसाइड कर सकते कहाँ तक ओपन हो सकता है। पर जैसे अभी दिखा रहा है जी निफ्टी, तो हम लोग ये सेल जोन के अंदर ही ओपन होना चाहिए। सेल जोन मतलब दोस्तों 18,134 से 18,200 का ये जो सेल जोन है उसके अंदर हम लोग ओपन होने के चांसेस है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमें यहाँ पे बाय एंट्री मैंने बताई थी। ये देखो, ये बराबर जिधर लो है था, ये लो लेवल पे मैंने बाय की एंट्री बताई थी दोस्तों। 570 का स्टॉप लॉस बताया था यहाँ पे, ये 570 पे यहाँ पे ही मैंने लो बताया था, 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बताया था दोस्तों। और ये मैंने ये टारगेट बताया था दोस्तों 18,134 का टारगेट बताया था, जो कि लगभग अभी 50-60 पॉइंट दूर है, जो कि आना ही है मंडे को। और दोस्तों अभी इसमें हमें मार्केट तो हमारा बहुत बुलिश ही है, पर अभी मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है कंटिन्यूसली, अभी भी दे रहा है रैली। और मार्केट और RSI में देखेंगे तो ओवरबॉट के नज़दीक आ रहा है, ओवरबॉट तो नहीं है पर ओवरबॉट के नज़दीक देखो मार्केट आ रहा है दोस्तों। तो ओवरबॉट भी है, और ये जो जोन है सेल जोन, ये मैंने सेल की एंट्री ऐसे ही नहीं लगाई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी है, इसलिए सेल की एंट्री मैं लेने के लिए रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे ये जो जोन है ये वीकली रेजिस्टेंस है, और ऑलरेडी रैली बन चुकी है। तीसरी बात, यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में हम लोग RSI में गए हैं, तो रेजिस्टेंस पे, वीकली रेजिस्टेंस पे थोड़ा रुकने का चांसेस है, इसलिए ये सेल जोन में हमें निफ्टी में सेल की एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,262 का, तो 18,262 पे हम लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है दोस्तों। अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल या रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएंगी तो हम लोग इसमें से एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग एग्जिट करके पोजीशन से बाहर हो जाएंगे, सेल पोजीशन से दोस्तों। और हमें मंडे को, अब मंडे को तो छुट्टी है दोस्तों, ट्यूसडे वेनसडे को हम लोग को सेल एंट्री के जोन में मिला, ज़्यादातर 18,200 के नज़दीक ही हमें ट्राई करना है सेल करने का। मतलब हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 50-60 पॉइंट दूर रह जाता है, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा फिर 50-60 पॉइंट का। तो हमें 18,200 के नज़दीक सेल की एंट्री बनानी है दोस्तों। 18,262 पे स्टॉप लॉस लगाना है, और हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 17,944, मतलब 17,944 का हमारा एक ही टारगेट बने रहेगा दोस्तों। दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट बहुत बुलिश है, इजीली सब रेजिस्टेंस ब्रेक करते जा रहा है दोस्तों, तो बड़ी बात नहीं है कि इसको भी इजीली ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरी बात, ये ट्रेड में क्वांटिटी आपको हाफ करनी है दोस्तों। अगर समझो आप दो लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपको एक लॉट ही लेना है, क्योंकि बुलिश मार्केट में मंदी की पोजीशन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रिस्की हो सकता है। वैसे स्टॉप लॉस तो हमारा छोटा ही है, पर क्वांटिटी भी हाफ रखेंगे तो बहुत छोटा सा मतलब लॉस होगा दोस्तों, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगी इसमें। तो इसमें पोजीशन हाफ रखने का ट्राई कीजिएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप यहाँ पे सेल की एंट्री बना के ये टारगेट, मतलब एक 250 पॉइंट का शायद ये, तो हाँ 250 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों। तो 250 पॉइंट के टारगेट के लिए आप एक ही टारगेट के लिए सेल एंट्री ले सकते हैं, और इमिडिएट वही प्राइस से हमें वापस बाई की एंट्री भी बनानी है दोस्तों। तो 17,944 से 17,828, ये 125 पॉइंट के रेंज में हमें वापस बाई की एंट्री भी बनानी है। तो ज़्यादा नीचे आने का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर नीचे आया तो इसको ब्रेक भी कर सकता है मार्केट, तो इतना नीचे नहीं आएगा क्योंकि बुलिशनेस ज़्यादा है अभी मार्केट में। तो आप
17,944 के आसपास ही लेने की कोशिश कीजिएगा, मतलब 17,900 के नीचे लग नहीं रहा है मुझे आएगा। 17,900 से 950 के बीच में ये लाइन को टच करते ही आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जमा करते जाना है, क्योंकि ये लाइन से, ये जो टारगेट का लाइन है हमारा, यही से बाउंस करने का चांसेस है। और आपको ये स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे मिलने के बाद, आप बाय एंट्री लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है 17,828 का, जो 100-125 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज होने पे एग्जिट करना है। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर साइड में वीकली रेजिस्टेंस है, वैसे ही अभी ये वीकली सपोर्ट भी है दोस्तों। तो ये दोनों भी बहुत स्ट्रांग है, वीकली सपोर्ट भी स्ट्रांग है, वीकली रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। अगर सपोर्ट के नीचे, वीकली सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें मंदी की पोजीशन बनानी है, सब लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। वैसे ही अरे वीकली रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे हमें मतेजी की पोजीशन भी बनानी है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल किसी भी साइड में ब्रेक हो जाए तो बड़ा मूवमेंट आना है दोस्तों। अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे भी बहुत जा सकता है, और वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर भी बहुत जा सकता है। तो ये सपोर्ट पे हमें स्टॉप लॉस लगा के बाय की एंट्री हम लोग बना सकते हैं, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 18,431 का, और सेकंड टारगेट बनेगा 18,696, मतलब 18,700 तक दोस्तों, 18,700 तक हम लोग सेकेंड टारगेट जा सकते हैं। जैसे हमने मंथली कैंडल में देखा है कि हम लोग 18,800 तक तो जाना चाहिए दोजी कैंडल का ब्रेकआउट होने पे। तो ये दो टारगेट हमने निकाले हैं, तो फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में वापस ये जोन पे बाय भी कर सकते हैं। तो ये जोन जब थोड़ा नीचे है 250 पॉइंट, तो हम लोग 250 पॉइंट रुकने से अच्छा कि हम लोग सेल एंट्री भी बना के एक सेल का ट्रेड बनाएंगे छोटा सा, उसके बाद हम लोग एक बाय का ट्रेड बनाएंगे दोस्तों। पर अगर डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट जाने लगा कंटिन्यूसली, तो हम लोग एग्जिट करके बाय की पोजीशन में बैठ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि फिर तो बहुत ही तेजी, क्योंकि इजीली रेजिस्टेंस जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने का मुझे लग रहा है करेगा, क्योंकि अभी ओवरबॉट में भी जा रहा है और वो रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, इसलिए मैंने ये सेल की एंट्री बनाई दोस्तों। एक्चुअली बुलिश मार्केट है, तो हमें बाय की एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे 50% की क्वांटिटी में ट्रेड करना है, यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा 50% में ही रखना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मंदी का माहौल है अभी भी, मतलब बहुत बड़ी तेजी के एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऑलरेडी रैली दे चुका है मार्केट, तो थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा पोजिशन नहीं बना रखना है, क्योंकि समझो हम लोग बाय एंट्री ले लेंगे और ओवरनाइट कुछ भी न्यूज़ आता है किसी भी तरह से, जैसे कि युद्ध का माहौल चल रहा है यूक्रेन रशिया में, देखा बहुत अभी वो, मतलब एकदम अभी क्रिटिकल मोड में जा रहा है वो युद्ध का माहौल। तो दोस्तों वो रिस्की है, ओवरनाइट कुछ भी न्यूज़ आता है। तो 50% क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और उतना रिस्क तो आपको बना रहेगा ओवरनाइट में कि कभी भी न्यूज़ आएगी तो फिर निफ्टी 500-1,000 पॉइंट भी गिर सकता है एक नाइट, एक दिन में इतना भी बड़ा न्यूज़ आ सकता है, न्यूक्लियर वॉर का जैसे न्यूज़ चल रहा है कंटिन्यूसली, हो सकता है करके, और यूएस बैंकिंग क्राइसिस भी चल रहा है दोस्तों, तो ये नेगेटिव न्यूज़ आते रहते हैं। तो क्वांटिटी अभी कुछ भी, थोड़े 1-2 महीने के लिए, जब तक ये मंदी का और ये न्यू युद्ध का माहौल है, तभी तक क्वांटिटी 50% का ही रखे। नीचे साइड में अगर आपको ये वीकली सपोर्ट के नीचे अगर मंदी आना, मतलब मार्केट आना चालू हो गया, तो हम लोग क्वांटिटी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे साइड की ट्रेड के लिए हम लोग स्ट्रांगली ट्रेड कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और ऊपर साइड में थोड़ा रिस्क बनता है दोस्तों, ओवरनाइट का रिस्क बनता है, क्योंकि ओवरनाइट में बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन हो सकता, पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो बाय की क्वांटिटी में 50% ही बाय क्वांटिटी में ट्रेड करके ये दो टारगेट के लिए आप निफ्टी में ट्रेड करें दोस्तों। और दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा कि समझो मैंने टारगेट ये बताया है, पर मार्केट थोड़ा भी मूवमेंट दिया, 10-20% भी आपके प्राइस से ऊपर गया, या 100% पकड़ो मतलब, तो यहाँ से मैंने 100 पॉइंट का टारगेट दिया आपको, तो 40-50 पॉइंट भी मार्केट ऊपर गया, तो अपना स्टॉप लॉस निकल के बाइंग एंट्री पे लेके आना है दोस्तों। तो क्या होता है, स्टॉप लॉस अपना लॉस 0% पे चला जाता है, जो लॉस होता ही नहीं है।
तो अगर सेल जोन ये जोन में अगर इधर बाय करने के बाद ये जोन के अंदर इन नजदीक इधर भी आने लगा मार्केट, तो आप अपने बाइंग एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा देना, ये स्टॉप लॉस निकाल के। तो ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है दोस्तों, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना है, या छोटा छोटा मतलब रिस्क कम करते जाना है, ऐसे ट्रेड करना है दोस्तों। और इसी पे नहीं, हर इसमें मतलब हर इंडेक्स में, स्टॉक्स में ऐसे कर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना ही है थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो क्या होता है, मैं कभी कभी टारगेट के नज़दीक जाता है, पर टारगेट को हिट नहीं होता, पर टारगेट के नज़दीक से वापस ही उठन लेता है मार्केट। तो ये तेजी का जो प्रॉफिट बना हुआ वापस और नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होना चाहिए हमारा। और मंदी का पोजीशन के बारे में जो बोल रहा था दोस्तों, आपको एक मैं स्टॉक दिखाता हूँ यूएस का। अभी यूएस में देखो, एक बैंक और फ्राइडे को मतलब लास्ट वीक नेगेटिव में गया दोस्तों, मतलब नेगेटिव मतलब बैंक करप्ट, अभी बंद ही बोले तो बैंक तो ये अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि टॉप 15 बैंक में आता है यूएस के, आप देख सकते हैं लास्ट 2-3 वीक से क्या हो रहा है इसमें, पूरी तरह दोस्तों फेल हो गया ये बैंक। $220 का हाई था, अभी $350 का प्राइस चल रहा है इसका। क्या मतलब, ये लास्ट लास्ट वीक का दोस्तों 43% है, लास्ट वीक में 43% गिरा ये बैंक, अभी कुछ बचा ही नहीं है इसका दोस्तों। मतलब ये बैंक का सामने आया, मतलब दूसरे बैंक भी, ये टॉप 15 नंबर का बैंक है दोस्तों, तो ये बैंक के न्यूज़ आते रहेंगे। अभी ये बहुत बड़ा रिस्की है, तो मंदी तो आना कन्फर्म है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर यूरोप यूएस के। जब ये गिरना चालू हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपने इधर भी इंडिया में भी इफेक्ट गिरेगा, अभी तो नहीं गिरा अभी भी, पर अभी आना चालू हो जाएगा। अभी यूएस का भी नैसडेक, आपको यूएस का भी बैंकिंग इंडेक्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखो ना, ये भी अभी भी नेगेटिव में, ये नेगेटिव फ्लैग बना हुआ है, देखा आपने, बेरिश फ्लैग है जिसका। ये नीचे ब्रेकआउट होने पे जितने जोर से ये ऊपर से नीचे आया था, उतने जोर से नीचे भी जाएगा वो, आप इतना प्राइस वापस नीचे जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत नेगेटिव है, अभी मार्केट तेजी दिखा रहा है जो कि शॉर्ट शॉर्ट टाइम का तेजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का तेजी नहीं लग रहा अभी भी मुझे। ये तेजी बनने के लिए ये इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट का जो चल रहा है अभी, और ये यूथ का माहौल, ये सब रुकना चाहिए, तो हम लोग लॉन्ग टर्म तेजी सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं क्वांटिटी आपको ओवरनाइट क्वांटिटी 50% या उससे भी कम रखना, जितना कम हो सके कम इसमें ट्रेडिंग करना है ओवरनाइट पोजिशन में। और स्टॉक्स में तो पोजिशन बनाने से पहले 10 बार सोच के ट्रेड करना है दोस्तों, क्योंकि ये मई जून जुलाई बहुत क्रिटिकल मंथ है तीनों भी, इसमें कुछ भी न्यूज़ हो सकता है, मतलब मार्केट में कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकता है, तो संभाल के ट्रेड करना है, कैपिटल नहीं गंवाना है अपना, क्योंकि उसके बाद जो चांस मिलेगा ना दोस्तों, ये मंदी के बाद वो इतना बड़ा चांस रहेगा ना मार्केट में कि आपके बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, इसलिए कैपिटल बचा के रखना है। क्योंकि मंदी में जो भाव मिलेंगे ना, वो भाव पे आप खरीदेंगे ना, खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा दोस्तों। अभी निफ्टी का तो एनालिसिस हो गया दोस्तों, अभी मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का मंथली सेम है दोस्तों, इसके जैसा ही है, निफ्टी का जैसे हुआ था वैसे ही है इसका भी, कि लास्ट मार्च मंथ में 2G कैंडल बना हुआ था बैंक निफ्टी में भी, और ये 2G कैंडल का हाई ब्रेक किया है बैंक निफ्टी में, तो अभी उसका टारगेट आना ही है। तो ये कैंडल 41,600 और 40,3,600, मतलब 3,000 का है, 41, तो दोस्तों 3,000 पॉइंट का कैंडल ही है, तो 3,000 पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, 41,600 से पकड़ेंगे, तो 42, 43, 44, 44,600 तक, मतलब ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करके उसके ऊपर चला जाएगा दोस्तों। 44,600 का टारगेट है ये मंथली में इसका, मतलब देखो दोस्तों 44,600, ये देखो, ये लेवल तक जाना चाहिए, मतलब यहाँ से और 43 है ना, और 1500 2000 पॉइंट की रैली बन रही है बैंक निफ्टी में, 1500 पॉइंट की तो बन रही है दोस्तों, क्योंकि 44,600 अभी 43 चल रहा है, तो मतलब 1500 पॉइंट और हमको मिलेंगे दोस्तों इसमें।
ये मंथली में ब्रेकआउट बुलिशनेस हमको दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ है तो और 1500 पॉइंट की रैली बनेगी। पर हम लोग अभी ये वीक का देखेंगे, ये तो पूरे मंथ का हो गया, अभी हमको ये वीक में क्या करना है वो देखेंगे। जैसे कि निफ्टी के जैसा इसका भी है दोस्तों, ऑलरेडी रैली बहुत बड़ी बनी बन चुकी है। RSI पे आप देख सकते हैं ओवरबॉट जोन में जा रहा है दोस्तों, ऑलरेडी 75 तक गया है, 80 के ऊपर ओवरबॉट हो जाएगा, ये ओवरबॉट तो है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है, ओवरबॉट हो जाएगा 80 के ऊपर। तो दोस्तों इसमें हमें अभी जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है लास्ट ट्रेडिंग डे का 43,233, मतलब 32-34 पकड़ो, 43,234 का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे को गैप अप ओपन हो जाएगा, जो कि ये सेल एंट्री के सेल जोन में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। मतलब ये लेवल जो है 43,500 से 43,600, मतलब 43,500 से 43,600, मतलब 100 पॉइंट का ये जोन है, 100 पॉइंट का। तो इसमें हमें बैंक निफ्टी में भी सेल की एंट्री बनानी है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, वीकली रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे सेल एंट्री बनानी है 43,500 से 43,600, तो ये 100 पॉइंट के जोन में सेल एंट्री ला करके स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं दोस्तों 43,772, मतलब स्टॉप लॉस आपका रहेगा 150 पॉइंट ऊपर, 633 से 7, मतलब 150 पॉइंट के लगभग, 150 भी नहीं दोस्तों, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बनानी है। जैसे निफ्टी में मैंने बोला था वैसे ही दोस्तों, क्वांटिटी हाफ रखनी है, जितना आप क्वांटिटी करते हो उससे हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मतलब दो लॉट लेते रहेंगे तो एक लॉट में ट्रेड करना है दोस्तों, क्योंकि ओवरबॉट जोन है, रैली बन चुकी है ऑलरेडी और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। कम क्वांटिटी क्यों, ऑलरेडी बुलिश है मार्केट, तो ब्रेक भी हो सकता है ये स्टॉप लॉस, क्योंकि इजीली आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस सब इजीली ब्रेक किए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है, तो इजीली ब्रेक करते जा रहे हैं। तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड बना रहे हैं यहाँ पे, आपको बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं सीधा बाय जोन के लिए, क्योंकि हमारा बाय एंट्री का लेवल है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर सेल की पोजीशन नहीं बनानी है। तो सेल की पोजीशन आपने बनाई तो आपका टारगेट बनेगा 42,986, मतलब 43,000 के आसपास ही आपका टारगेट है, मतलब ये 500 से 600 पॉइंट का टारगेट दोस्तों पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। मतलब आप 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 500-600 पॉइंट के लिए ये ट्रेड कर सकते हैं, एक ये एक ऑप्शन है आपको दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस के ऊपर निकल गया तो एग्जिट करना है, पर ऑलरेडी बहुत तेजी भी हो चुकी है तो शायद आपको इधर ये ट्रेड मिलेगा दोस्तों। तो इसका एक्यूरेसी लेवल 75% है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, और नीचे आने पर आपको ये बाय जोन में बाय भी करना है दोस्तों। तो बाय एंट्री का लेवल है 43,000 से 42,800, मतलब ये 200 पॉइंट के जोन में आपको बाय करके स्टॉप लॉस लगाना है 42,625 का। ये स्टॉप लॉस भी दोस्तों स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस के नीचे मंदी आ सकती है मार्केट में वापस बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से 43,000, मतलब 600-800 पॉइंट का डाउन नहीं है। अगर हमारे को अभी तो मतलब जिधर जितना हाई बनेगा ये अभी ट्यूसडे को जिधर ओपन हो जाएगा वहां से पकड़े तो 800 पॉइंट नीचे है, मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल है। अगर ब्रेक हुआ तो फिर मंदी का पोजीशन बनाना है अपने को, तो बने जब भी ब्रेक हो जाएगा दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा, तभी भी टेंशन नहीं लेने का। जब भी आपको रिवर्स पोजीशन बनाना है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मैं इमिडिएटली वीकेंड भी नहीं रहेगा तो भी वीडियो बनाऊंगा कि मंदी का पोजीशन लेना है करके, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाय करके
फर्स्ट टारगेट का इंतजार करना है 44 101 102, मतलब 44 100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 42 986, मतलब दोस्तों 43,000 पे बाय किया तो आपको 1,000 पॉइंट का टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 600। मतलब अगर जितना हो सके नज़दीक 42 800 के नज़दीक बाय करने की कोशिश कीजिएगा, पर इतना नीचे आएगा कि नहीं बता नहीं सकते दोस्तों। पर ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इधर क्वांटिटी आप कम रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बन रहा है दोस्तों। अगर 1,000 पॉइंट का टारगेट बन रहा है तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे रिस्की ट्रेड में 50% क्वांटिटी में ट्रेड किया हुआ अच्छा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में तेजी क्यों बनेगी दोस्तों? क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो भी कुछ अभी ब्रेकआउट के लिए अच्छा लग रहा है मेरे को। मुझे दिखा था आपको एचडीएफसी बैंक दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में मैंने लास्ट का, आपने वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा, मैंने बताया था कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ट्रेड कर रहा है और ये जोन ब्रेक करना मुश्किल है, तो वहां से रिवर्स भी आया था, अभी वापस ऊपर जा रहा है दोस्तों। ये बुलिशनेस दिख रहा है दोस्तों आपको, ये वीक दिख रहा है जो कि ऊपर के साइड में वापस बाइंग प्रेशर आके कैंडल को ऊपर ढकेल रहा है, तो ये वीक में ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। ये वीक में नहीं तो उसके अगले वीक में, ये 2 वीक में ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि मैंने बोला था कि ये जो ऊपर की लाइन है यहाँ तक ये जा सकता है एचडीएफसी बैंक, वहाँ तक गया तो निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जोन में वापस एचडीएफसी बैंक जा सकता है। तो वैसे आईसीआईसी बैंक भी ब्रेकआउट की तैयारी में, ऑल टाइम हाई के दोस्तों देख सकते हैं आप, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, तो यहाँ तक रेड लाइन तक तो आईसीआईसी बैंक जाने वाला है। तो ये सब बुलिशनेस अभी मार्केट में चल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर भी भागने का चांसेस है दोस्तों, जैसे कि हमने मंथली कैंडल में देखा है बैंक निफ्टी का कि 3,000 पॉइंट की रैली बनेगी, तो अभी तक 1,500 पॉइंट बने, तो 1,500 और बाकी है, फिर 1,500 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी में बाकी है दोस्तों। दोस्तों आप अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो देखो ये एक लाइन दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से रिवर्स भी होता है, मार्केट बहुत बार रिवर्स हुआ है, तो वो जोन अभी बाकी है दोस्तों। बैंक निफ्टी में वो जोन बनेगा दोस्तों 4,500 के नज़दीक बनेगा, 45 45 500 600 के नज़दीक, तो ऑल टाइम हाई बनने के बैंक निफ्टी में चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के हाई से कितना दूर है? ये 1,000 पॉइंट दूर है, तो हमारा टारगेट भी वही है, पहला टारगेट ऑल टाइम हाई पे हमारा पहला टारगेट है दोस्तों। ये ब्रेक हुआ तो और 1,000 पॉइंट की 1,500 पॉइंट की रैली बनेगी बैंक निफ्टी में, तभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी तो आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय करके फर्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, और जैसे मैंने निफ्टी में बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये लाइन के नज़दीक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस में जितना प्रॉफिट आपको बन रहा है वो गंवाना नहीं है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाने जाते जाते स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, फर्स्ट टारगेट पे पूरा आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट। तो पहले सेल की एंट्री फिर बाय की एंट्री, ये आप इसका नहीं क्या वीडियो पे इसका फोटो लेते, निफ्टी का भी और इसका भी फोटो लेके रखना है दोस्तों। जैसे जैसे जोन में जाते हैं वैसे वैसे ट्रेड करना है, पर क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि ओवरबॉट में ट्रेड बन रहा है और मार्केट में बुलिशनेस भी ज़्यादा है, तो दोनों तरफ का ट्रेड मैंने आपको दिया है। अभी निफ्टी आईटी में दोस्तों, निफ्टी आईटी जैसा था वैसे ही है, अभी भी नोट ट्रेड ये वीक में भी इसमें ट्रेड नहीं, मतलब नहीं बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये अभी जो गैप गैप था ये गैप भरने का काम निफ्टी आईटी कर रहा है, जो कि अभी गैप भरा है इसने, तो ये ग्रीन जोन से, ग्रीन लाइन से वापस रिवर्स आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लैक जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, फ्लैग की जो ट्रेंड लाइन है ब्लैक, तो ये ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स आ सकता है, या नीचे से ग्रीन लाइन को टच करके नीचे आएगा। पर दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम पे
वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वीकली, अभी ये कैंडल तो नीचे ही है ग्रीन लाइन के, पर अगले वीक की कैंडल अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ये ग्रीन लाइन के ऊपर थोड़ा भी क्लोज हो जाएगी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आईटी में, तो आईटी के सब मतलब हाई वॉल्यूम, हाई मतलब क्या बोलते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, आईटी के सब जो दिग्गज शेयर है वो हमें बाय करने हैं। मैं आपको बताऊंगा तभी, अभी ये वीक में तो नहीं है, पर नेक्स्ट वीक में अगर ये ब्रेकआउट हुआ वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम लोग आईटी के अच्छे अच्छे स्टॉक उठाएंगे, क्योंकि फिर तेजी बनेगी दोस्तों, फिर वो यहाँ तक भी 3-4 हज़ार पॉइंट की तेजी बन सकती है, पर फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ से रिवर्स आ सकता है मार्केट, पर जब तक होता नहीं है तभी तक कुछ बोल नहीं सकते। तो ये वीक में आईटी में अभी भी ट्रेड कुछ भी नहीं बन रहे, न स्टॉक में बनेंगे न इसमें। और दोस्तों फिन निफ्टी का भी वैसे ही है, फिन निफ्टी का दोस्तों आपको याद रहेगा, मैं डेली में दिखा तो आपको, जैसे कि मैंने बराबर आपको बोला था बाय एंट्री, ये क्लोजिंग कैंडल पे मैंने वीडियो बनाया था, बोला था यहाँ पे बाय करना है और स्टॉप लॉस ये लगाना है, और दोस्तों दूसरे दिन मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ कि हमको बाय की एंट्री बहुत दूर मिली, यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे भी आया मार्केट, पर जितना हमारा बाय एंट्री लेवल था वहाँ से तो भी मेरे ख्याल से 80 पॉइंट ऊपर ही था। अभी पता नहीं किसने किसने बाय किया रहेगा, उनको मिला फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों भी अचीव हुआ, पर बहुत जनों ने एंट्री मिस कर दी, क्योंकि 80 पॉइंट ऊपर मिला तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे ट्रेड में। अगर लेना भी रहेगा, आपको लगता है बहुत ही बुलिश है, तो क्वांटिटी जितना हो सके उतना कम लेना है, जितना अगर आप 2 लॉट लेते रहेंगे तो 1 लॉट, अगर 5 लॉट लेते रहेंगे तो भी 2 लॉट, ऐसे जितना कम हो सके उतना कम लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं। पर फिन निफ्टी में भी टारगेट हमारे अचीव हुए और बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव हुए, निफ्टी का टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है और सेकंड टारगेट अभी 18,134 का वो आ जाएगा। फिर निफ्टी में दोस्तों मंथली कैंडल भी सेम है बैंक निफ्टी के जैसा ही है, इसका हाई था 18,450 और 18,000 17,200, मतलब 1,250 पॉइंट का टारगेट था, तो यहाँ से 19,400, तो दोस्तों इसका भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होने का चांसेस है, क्योंकि दोजी कैंडल का जो मार्च महीने का दोजी कैंडल था उसको ब्रेक करने के बाद 1,250 पॉइंट का रैली बनना है दोस्तों, तो इसके हाई से पकड़ेंगे तो 18,400 से 19,400 और वहाँ से और 200 पॉइंट, मतलब 19,600 तक फिर निफ्टी भी मंथली टाइम फ्रेम में जा सकता है। तो अभी क्लोजिंग जो हुआ है वो 19,162, मतलब और 500 पॉइंट की रैली, 400 से 500 पॉइंट की रैली और फिर निफ्टी में बन सकती है दोस्तों। अभी ये तो लास्ट वीक का वैसे के वैसे रखा है मैंने, 1 मिनट हाँ, तो दोस्तों आप इसमें फिर निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस अभी दोस्तों ये रहेगा, तो ये स्टॉप लॉस से आप इसमें कंटिन्यूसली कंटिन्यू पोजीशन रख सकते हैं बाइंग का। तो अभी ये 1 मिनट वीकली में देखता हूँ दोस्तों मैं, फिन निफ्टी में ये स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट वापस थोड़ा यहाँ पे 19,000 के नजदीक आया तो दोस्तों आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 18,850 का, मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू पोजीशन बाइंग की रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बाय करना है, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन पे बाय करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और आपके टारगेट ये टारगेट फर्स्ट सेकेंड और 19,600 तक का टारगेट आपका बन सकता है इसमें फिन निफ्टी में। तो फिलहाल तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप पोजीशन बना सकते हैं, पर अभी इसमें मैंने कुछ बताया नहीं, पर थोड़ा नीचे आने का इंतज़ार करें, नीचे आने पे आप लोग इसमें भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये भी ओवरबॉट जोन में गया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट या थोड़ा सा करेक्शन होने का इंतज़ार करें दोस्तों इसमें भी। तो दोस्तों
इंडेक्स का तो मैंने सब बता दिया है, तो ट्रेड स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और दोस्तों मैं स्टॉक्स का बता, तो लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक्स बताए थे, दो तीन स्टॉक्स का आपको बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट है। अभी ये जो रेड फ्लैग थे ना दोस्तों, इतने सारे मैंने स्टॉक निकाले थे, पर सब स्टॉक नहीं दिए थे आपको, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स में नई वीडियो बनाना हो जाता है, इतना इतने वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं। तो ये मैंने औरोबिंदो फार्मा बताया था दोस्तों, आप देख सकते हैं बाय पोजीशन से कंटिन्यूसली दोनों टारगेट हिट होके उसके ऊपर भी गया है औरोबिंदो फार्मा। एस्ट्रल भी स्टॉक था, पर दोस्तों एस्ट्रल का मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर एस्ट्रल ये लास्ट वीक में ही उसने ब्रेक, नीचे मैंने बोला था यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे बाइंग मिलेगी, यहाँ से बाय करना है, तो लास्ट वीक में जो फ्राइडे को बहुत बढ़िया तेजी दी इसने, पर इसका ट्रेड नहीं बताया था दोस्तों। एक्सिस बैंक का अभी तक, हाँ एक्सिस बैंक का फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, उसका रिजल्ट का थोड़ा इशू था इसलिए वो मार्केट गिरा है, पर वापस ये ऊपर जा सकता है सेकेंड टारगेट के लिए एक्सिस बैंक का। बजाज फाइनेंस दोस्तों मैंने बताया था, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्लियरली बताया था ये कैंडल पे कि मार्केट नीचे आएगा अभी, और नीचे बाय एंट्री पे ही बाय करना है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का बोला था दोस्तों, बाय एंट्री पे बाय करके स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बाइंग एंट्री पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट ऊपर गया है। 1380 का मैंने एक रेजिस्टेंस बताया था, अभी तक वो आप पहुँचा भी नहीं है, पर उसके नीचे से थोड़ा सा उसका भी रिजल्ट था, इसलिए थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। तो बजाज फिनसर्व में भी हमें एकदम हमारे बाय एंट्री पे ट्रेड मिला, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था ग्रीन कैंडल पे, कि अभी यहाँ से नीचे आके आप देख सकते हैं जो मैंने ये एरो बनाया है, तो बराबर उधर में हमको बाय एंट्री मिला है। तो अभी बाय एंट्री पे हमारा स्टॉप लॉस रख के हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टारगेट का इंतज़ार करेंगे बजाज फिनसर्व में। बजाज फाइनेंस का भी ट्रेड था, पर बजाज फाइनेंस का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, उसका भी ट्रेड बना, मतलब ट्रेड बन रहा था। ये सब रेड फ्लैग जो थे ना, ये सब में ट्रेड बन रहे थे, पर मैंने सबके वीडियो नहीं बनाए, बजाज फिनसर्व में बनाया था, और जो जो कि मतलब बढ़िया चल रहा है, एक्सिस बैंक का बनाया था, उसका टारगेट हिट हुआ है, एरोबिंदो का हुआ है, और ये बैंक निफ्टी आईटी, और ये आइशर मोटर का बनाया था, जो उसका भी तेजी चल रहा है, गोदरेज ये भी तेजी में है, इंडिया बुल रियल इस्टेट दोस्तों वो भी देख सकते हैं आप, उसने भी एकदम परफेक्ट लेवल पे हमको बाय एंट्री देके दोनों टारगेट हिट हुए दोस्तों इसके भी, और बहुत बड़े टारगेट है इसके, मतलब ऑलमोस्ट 20-25% के टारगेट हिट हुए दोस्तों इसके, और स्टॉप लॉस के तो मतलब बाइंग एंट्री से नीचे भी नहीं आया वो तो। ऐसे स्टॉप लॉस में दोस्तों ट्रेल करते करते रहना है दोस्तों। दूसरा पीएनबी भी देना था, पर वो भी निकल गया हाथ से, और एसबीआई दिया था दोस्तों, एसबीआई में भी देख सकते हैं क्या बढ़िया तेजी बनी है दोस्तों। बाय एंट्री में मैंने बोला था, फिर फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, अभी तो पीएसयू बैंक में तो और बढ़िया तेजी होने वाली है दोस्तों। देखता हूँ अभी मैं ये वीडियो के बाद, अगर मुझे अच्छे स्टॉक्स वापस दूसरे मिले, मतलब अभी आज तो नहीं बनाऊंगा शायद, अभी कल छुट्टी है तो हम लोग कल भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो लेट नाइट थोड़ा सा मैं स्टॉक सर्च करता हूँ, अच्छे स्टॉक्स मिले तो दो तीन स्टॉक्स में निकालता हूँ दोस्तों। मैंने टीसीएस का भी एक ट्रेड बताया था, तो टीसीएस में ने क्या, वैसे तो डेली टाइम फ्रेम के पे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर दोस्तों ट्रेड कैसे करना है मैं आपको एक बताता हूँ। समझो अभी मैंने टीसीएस का आपको स्टॉक्स दिए, टीसीएस में ट्रेड दिया, पर आईटी का मैंने इंडेक्स में बोला था कि मार्केट रिस्की है, मतलब सेल ज़्यादा है, आईटी सेक्टर रिस्क में ज़्यादा है, तो भी मैंने टीसीएस का कॉल दिया था, लास्ट टू लास्ट वीक दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बाय एंट्री बोली थी, बाय एंट्री को हमें स्टॉक मिला भी, पर जहाँ से ये स्टॉक अभी मैंने 3165 पे बोला था, तो वहाँ से बाय यहाँ पे मैंने बोला था बाय करने के लिए, तो बाय करने के बाद जब स्टॉक इतना ऊपर जाता है 3165 से 3275, मतलब 72, मतलब 100 पॉइंट से भी ऊपर तक जाता है, तो मैंने क्या बोला आपको, हर बार थोड़ा भी ऊपर, एक 20-30% भी ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है दोस्तों। अब तक तो स्टॉप लॉस निकल के आपका कहाँ पे जाता है, ये बाय जोन पे जाता है, तो आपका रिस्क कितना हुआ। अभी मैंने 6-7 स्टॉक बताए, उसमें से एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसका टीसीएस का, पर वो हिट कभी भी मेरा स्टॉप लॉस बाय करने के बाद इमिजिएटली नीचे ऐसे जाके स्टॉप लॉस ही ना हिट बहुत कम होता है, रेयरली होता है, मतलब 100 में से 1 स्टॉक्स में ऐसा होता रहेगा, तो थोड़ा ऊपर जाता ही है पहले, पहले ऊपर जाता ही अच्छा खासा, भले टारगेट तक नहीं जाता रहेगा, पर उसके नीचे से रिवर्स मारता है पर थोड़ा सा, और दोस्तों इतना ऊपर जाता है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस निकाल के बाय एंट्री पे लाना है। तो अभी ये टीसीएस में आपको, अगर आपने
वैसे किया रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल किया रहेगा तो आपको जीरो लॉस है दोस्तों, जीरो लॉस। तो क्या जिसको और चाहिए तो वो जिस 50-60 रुपये भी बुक अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाया तो 50 पॉइंट भी मिल सकते थे इसमें। ऐसा करना, ऐसा ट्रेड करते रहना दोस्तों। मैंने कोई भी स्टॉक बताया ना तो आप भले टारगेट पे नहीं हिट हो पर उसके टारगेट से नीचे से थोड़ा सा घूमा तो भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो लॉस नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करते जाना, क्योंकि ये ऊपर गया वापस वहाँ से नीचे का के स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर गया। अभी दोस्तों इसका एक दूसरा वर्जन भी बता दो जो मुझे पता है, आपको मैंने अभी तक बताया नहीं। अगर ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है मेरा, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्टॉप लॉस तो हिट ही हुआ नहीं है। जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ उसमें तो स्टॉप लॉस हिट ही हुआ नहीं, पर मैं आपको नहीं बताता क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल बड़े रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसको भी। तो अगर वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे समझो, अगर मैंने इधर बाय एंट्री बताई थी ये लेवल पे, मैंने बोला था ये या ये कैंडल ये क्लोज पे मैंने इतने ऊपर 3200 पे मैंने बाय एंट्री बताई थी, मतलब वीडियो बनाया था बाय करने के लिए, पर बाय जोन था हमारा ये था। तो दूसरे टाइम कैंडल नीचे भी आया बाय जोन के नज़दीक, तो 60-31-65 पे मैंने बाय बताया था, तो 31-75 तक ये आया था कैंडल दोस्तों। तो 10 पॉइंट ऊपर मतलब एकदम नज़दीक आया था, तो हम लोग यहाँ पे बाय करते थे। और बाय करने के बाद दोस्तों इतना ऊपर भी गया, 100 पॉइंट ऊपर गए, हम लोग ट्रेल भी कर सकते थे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कैंडल दोस्तों नीचे गए वापस क्लोज ऊपर ही दिया उसने, ग्रीन जो बाय जोन के नज़दीक ही क्लोज दिया, ये क्लोजिंग है और दूसरा कैंडल ये बना है। तो फर्स्ट टारगेट तो आना ही है, मतलब बहुत 95% 90-95% चांसेस है कि फर्स्ट टारगेट आना ही है और सेकंड टारगेट भी आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, पर मैं वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस बताता नहीं क्योंकि दोस्तों कैंडल बहुत बड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा कि हम लोग ट्रेल करके स्टॉप लॉस से एग्जिट, ट्रेड से एग्जिट करना कभी भी अच्छा, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, 7-8 स्टॉक है हमारे पास, तो हम लोग क्यों इतना एक ही ट्रेड में अटके रहे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, क्योंकि जिसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों फिर वो लोग होल्ड कर सकते हैं, पर जिसके पास कम फंड्स है वही एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाना है दोस्तों। तो ऐसे TCS में स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप वीकली का स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हैं, क्योंकि वीकली में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्योंकि एनालिसिस मेरा वीकली का होता है तो वीकली कैंडल पकड़ना चाहिए, पर हम लोग डेली पकड़ते हैं क्योंकि वीकली के कैंडल बहुत बड़े होते हैं इसलिए। तो दोस्तों ऐसा इस प्रकार ट्रेड करना है कि आपको स्टॉक्स में या इंडेक्स में स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, बाय क्वांटिटी बाय एंट्री पे स्टॉप लॉस जितना जल्दी हो सके उतना लेके आना है, तो आपका लॉस जीरो होता है दोस्तों। इस प्रकार से ट्रेड करते जाना है, 10 में से 4 भी आपके स्टॉप लॉस बाय एंट्री पे जाके हिट हो गए तो भी चलेगा, पर दोस्तों बाकी के 6 मतलब लॉस जीरो तो हो रहा है ना वहाँ पे, बाकी के 6 इसमें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। पर अभी स्टॉक्स का मैं कल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अभी तो ये इंडेक्स का भी यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी कम रखना है इस बार, क्योंकि मैंने दोनों साइड के ट्रेड दिए सेल और बाय के, तो थोड़ा सा मार्केट है थोड़ा सा चौपी है, कन्फ्यूजन है, ओवरबॉट भी है मार्केट में, न्यूज़ बहुत सारे नेगेटिव है पर सब मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं। अभी मेरे को अभी मेरे पास और एक मंदी का रिसेशन का चार्ट है, मैंने आपको दिखाई नहीं पर आपको अभी दिखाई देता हूँ मैं, जिसको टाइम है अभी पर तो भी आपको मैं एक दिखा देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये लोग बोलते हैं ना रिसेशन कब आएगा, मंदी कब आएगी मार्केट में, एग्जैक्ट लोगों दोस्तों बताता है कि मंदी कब आएगी। अभी ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन देख रहे दोस्तों, ये हमारा पोजीशन है अभी का, ये अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और रिसेशन कभी आता है दोस्तों, ये जो पर्पल लाइन है ये दो ये जोन जो है ये रिसेशन के जोन है। देखो 2001 की मंदी, 1973 की मंदी, 2020 की मंदी, 1981 की मंदी, 1990, 1980, 2007 और दोस्तों ये 1969 की मंदी। तो ये सब मंदी ज़्यादातर ये दो मतलब
इस सिग्मा जो वन सिग्मा है, 68% चांसेस इसके अंदर ही होते। 2008 की जो मंदी आई थी दोस्तों, वो भी ये लेवल पे आई थी। देखिए तो अभी हम तो यहाँ पे है, अभी हम लोग ये साइकिल में जा रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये 10% चांसेस यहाँ पे बनेगा दोस्तों मंदी का। तो अभी ये थोड़ा पुराना है, तो अभी हम लोग ये लेवल, अभी नीचे डेट देख सकते हैं आप लोग, ये डेट देखो, ये अप्रैल मंथ है, ये मई मंथ है, अभी मई मंथ यहाँ पे, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ये लेवल पे पहुंचे हम लोग अभी, मतलब ये 10% के नजदीक, अभी हम लोग 10% के नजदीक पहुंचना चालू हो जाएगा मंडी का। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद सब बनाया हुआ चार्ट है, मैंने नहीं बनाया, मैंने भी कहाँ से कॉपी कर लिया है आपको, मैं दिखा रहा हूँ कि मंदी कब आने वाली, तो इसमें इसके हिसाब से मंदी का ज्यादा से ज्यादा चांसेस कभी है दोस्तों। ये देखो, ये पहला हम लोग देखेंगे, जो लास्ट टाइम मार्च 2001 में जब भी आई थी मंदी, तो तब प्रोबेबिलिटी 16% थी, जो कि अभी चांसेस 31 जुलाई 2023, मतलब जुलाई मंथ से हम लोग मंदी की ज्यादा टेंशन चालू हो जाएगी दोस्तों। मतलब अभी मई चल रहा है, जून जुलाई, तो मैं और दो दो महीने बाकी, 2 महीने के बाद बहुत ज्यादा रिस्क में हम लोग चले जाएंगे मंदी के। अभी हम लोग पहले यहाँ पे थे, फिर अभी मई मंथ चल रहा, तो हम लोग यहाँ पे, तो ये बढ़ते जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर ये चला जाता रहा, टाइम चला जाएगा, ये अभी ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर में तो दोस्तों मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मंदी तो आना एकदम कन्फर्म है, ये जो डेट है, तो ये मंदी के दोस्तों है, तो मंदी आनी है, तो हम लोग स्टॉक्स में पोजीशन बना के क्यों रखना है ज्यादा। पर मंदी का पोजीशन भी आप भी से बना के भी कुछ फायदा नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने जो सेल जोन दिया रहेगा ना, उसके नीचे ही मंदी की पोजीशन बना ली, तब तक जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया था 17,570, इतना नजदीक होके भी दोस्तों वो हिट नहीं कर रहा था, क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट है वो, अगर वो ब्रेक ही नहीं करा तो हम लोग पहले से मंदी से पोजीशन क्यों ले ले, तो हम लोग होल्ड करते रहेंगे जब तक मंदी का क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता। पर मंदी आने वाली है, तो इसलिए मेरा कहना है कि कम स्टॉक में, कम इसमें ट्रेड करें, क्योंकि ओवरनाइट ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं दोस्तों, ओवरनाइट मतलब आज आप, आज बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देंगे, सब पूरा पैसा डाल के बैठेंगे मार्केट में, और कल ऐसी न्यूज आ जाएगी कि आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा दोस्तों। ब्लैक स्वान इवेंट मतलब दोस्तों 5-5, 7-7% मार्केट ओवरनाइट गिर जाता है, तो सुबह आप देखेंगे ना तो निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे रहेगी, बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे रहेगी, ऐसा इवेंट आने वाला है, और ये आता है 2008 की मंदी मैंने देखी हुई है दोस्तों, मैं 2008 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ऐसी चीजें होती रहती है, तो 1,000 पॉइंट मतलब निफ्टी में बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, स्टॉक 20-20, 30-30% गिर जाते हैं एक एक दिन में, जैसे कि मैंने आपको यूएस का फर्स्ट रिपब्लिक दिखाया था बैंक का, क्या डेंजर दोस्तों, उसमें सेलिंग का चांस ही नहीं मिलता, सर्किट लग जाते हैं स्टॉक्स को, तो इसलिए पोजीशन कुछ जरूरत नहीं है। अभी ये स्टॉक वीकली सपोर्ट जो है 17,828, इसके नीचे मंदी सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है, पर पोजीशन क्यों क्यों रखना है, ओवरनाइट अगर न्यूज आया ना दोस्तों, तो 18,000, अभी कितना 18,000 पे हम लोग क्लोज हुए, 18,060, वहां से 200 पॉइंट ही नीचे, तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस के हम लोग 17,000 के नीचे भी क्लोज ओपन हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े न्यूज आते हैं मार्केट में, मैंने सब देखा हुआ है दोस्तों पहले न्यूज ऐसे, और लॉस भी बहुत कर चुका हूँ मैं ऐसे, तो इसलिए पोजिशन मार्केट किधर नहीं जाने वाला है, भले हम लोग 6 महीने नहीं ज़्यादा पोजिशन रखेंगे कुछ फर्क नहीं गिरता, ऐसा नहीं कि मार्केट लगे भाग के बहुत ऊपर चला जाएगा कि हमको मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, जब सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा हम लोग वापस स्टॉक्स में, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चालू करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं कि वो मिलता है हमें चांस, पर हम लोग अभी इतने ऊपर के लेवल पे पूरा कैपिटल डाल के रिस्क में नहीं ट्रेड करना है, इतना मुझे लगता है दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपके हिसाब से आपका पूरा एनालिसिस करके ट्रेड करिएगा दोस्तों, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करेगा, मेरा जो वीडियो है पूरा एजुकेशनल पर्पज है, मुझे प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, मेरा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी में थोड़ा सा बात करने में मुश्किल आती है, इसलिए मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा नहीं लगता हिंदी में, पर मैं कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा मंथली और वीकली एनालिसिस था, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, ये वीक में थोड़ा सा ट्रेड कंफ्यूजिंग भी है, रिस्की भी है, तो जैसे मैंने जोन बताया उसके हिसाब से कम ट्रेड में कम से कम किए, क्योंकि ये
ये वीक में एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक्यूरेसी लेवल कभी कभी एक्यूरेसी लेवल में बोलता हूँ ना 95% है तो तभी श्योर होता है दोस्तों। अभी मैं 75% बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हिट भी हो, अभी स्टॉप यहाँ से सेल जोन भी है पर तेजी है कि स्टॉप लॉस इजिली हिट भी हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारे छोटे छोटे होते हैं तो इजिली हिट भी हो सकते हैं, तो इसलिए कम स्टॉक में और कम एक्यूरेसी में कम स्टॉक में ट्रेड करना है दोस्तों, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ओके दोस्तों, तो ये एजुकेशनल पर्पज़ है, आपके खुद के रिस्क और एनालिसिस से ही ट्रेड करना है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, थैंक यू।